पदोन्नति में आरक्षण बहाली के लिए महाराष्ट्र सरकार के विरोध में बसपा करेगी बड़ा आंदोलन। महाराष्ट्र बसपा प्रदेश प्रभारी वीर सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि कल बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कार्यालय में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे प्रदेश से पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें प्रदेश के प्रभारी एडवोकेट वीर सिंह इन्होंने कहा कि जनता के हित के लिए आने वाले 13 जुलाई को पदोन्नति में आरक्षण बहाली के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में रास्ते पर उतरेगी। इस सभा में प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने भी अपनी बात रखी और कहा कि बहुजन समाज पार्टी 13 जुलाई को नीले झंडे की शक्ति पूरे प्रदेश में दिखाएगी। जैसा कि गौरतलब है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण को महाराष्ट्र के त्रिशंकु कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस एवं शिवसेना की सरकार ने खत्म कर दिया था। इसका विरोध बहुजन समाज पार्टी करते आई है। अब देखने की बात यह है कि आने वाली 13 तारीख को आंदोलन के माध्यम से सरकार पर बहुजन समाज पार्टी कितना दबाव डाल सकती है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।